दिखेंगे कैसे नहीं, दिखी वही रहे अशोक गहलोत जी के बाद में, अशोक गहलोत जी के बाद में दिखी वही रहे भाई, सीनियर लीडर हैं, सीनियर मंत्री हैं, वो कैसे नहीं दिखेंगे, दिखेंगे कार्यक्रम में नहीं दिखते नहीं, आज बम्बई गए हुए हैं शायद राजस्थान से बाहर है तो। और दूसरी चीज, दूसरी चीज, ये नेता आए ये कतई जरूरी नहीं था, ये प्रशिक्षण था कांग्रेस के उन कैटेगरी वाले लोगों को, उस प्रशिक्षण में मुझे आना था और जिला अध्यक्ष को इसको ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में है और कांग्रेस का जो कार्यक्रम उसमें नहीं है। किसानों के लिए जो कृषि का बिल लाया जा रहा है, वो सॉरी जो बजट लाया जा रहा है, उसकी तैयारी मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा कार्यक्रम, तो मैं समझता हूँ कि वो महत्वपूर्ण बात है कि परसों 23 तारीख को हमको बजट पेश करना है, तो निश्चित रूप से संगठन की प्रक्रिया चल रही है। राहुल गांधी जी की बात भी उन्होंने कही कि उन्होंने बिजली की दरें कम नहीं की, यहाँ पे भी दरें कम होगी ऐसा कुछ उम्मीद जो राहुल गांधी आप आरोप लगा रहे हैं कि सब ये झूठ फैला रहे हैं वो फैला रहे हैं। किरोड़ी लाल जी तो पेन ड्राइव लेके घूम रहे हैं, वाकई नाम लिए हैं मंत्री का है तो पेन ड्राइव लेके तो आओ ना, के खिलाफ भी बहुत आरोप लगाए हमारे साथ ही थे पिछले 5 साल में, बीजेपी पे भी पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते थे, तो वो तो आरोप लगाना विपक्ष में विपक्ष का काम है, सही लगाए गलत लगाए वो जनता को तय करना है कौन सा सही लगा रहा है गलत लगा रहा है। इसकी जो हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस अच्छे फ्लैगशिप की योजनाएं हैं उसकी गांव गाड़ी तक पहुंचाएं, केंद्र की सरकार की जो गलत नीतियां हैं जिसके कारण से आम जनजीवन, किसान, महिलाएं, बच्चे, बेरोजगार, महंगाई से आम व्यक्ति त्रस्त है, उसको हम गांव ढाणी तक उसको बताएं। 2023 में संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ संगठन को मजबूत करते हुए, कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए हम लोग संगठन को मजबूत करें। 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बने और 2024 में इस झूठ के बादशाह मोदी जी का केंद्र की सरकार से खाते। आप स्वर्णिम काल बता